ये होता है रिफ्रेश, ठीक है। मैं एक्सेल फटाक से खोल लेता हूँ अपना। क्या खुल गया ये, मज़ा नहीं आया मेरे को। EXEL, हाँ खुल गया मेरा एक्सेल, ठीक है। मैं सोच ही रहा था कि कुछ समस्याएं आ जाए, ठीक है, और एक समस्या मुझे मिल गया देखने को, ठीक है। तो उस समस्या का सॉल्यूशन क्या किया जाए, तो सबसे पहले समस्या मैं आपको बता देता हूँ। समस्या बताने से पहले मैं कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ मैं डेटा एंटर कर लेता हूँ और फिर समस्या आपको बताता हूँ क्या है। तब तक मैं इसको कर लेता हूँ पॉज, ठीक है। इन सारे यहाँ पे लाना है मुझे प्रोडक्ट का सम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसको बना देता हूँ मैं टेबल में, बॉर्डर कर दूँ, या बहुत अच्छा होगा कि मैं कंट्रोल टी दबा दूँ और टेबल के फॉर्मेट में तैयार कर दूँ ऐसे, ठीक है। ऐसा बन गया टेबल के फॉर्मेट में, ये रेडी है, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, आ गया ऐसे। यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखूँगा ये, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए सम, सम, ठीक है। डिलीट मार दिया मैं, फॉर्मूला में लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे जोड़ता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू का साइन देता हूँ, ठीक है। मैं बताया था सम, सबको समझ में आ ही गया था। सम इफ और सम इफ्स में किसी को कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो मैं फिर से फॉर्मूला लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा समझ जाइएगा देख के, ठीक। इक्वल टू का साइन दिया मैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सम इफ करता हूँ पहले, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सम इफ्स किया, सम इफ किया, बोल रहा है रेंज बताओ, नहीं नहीं ये वाला रेंज नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है किसको जोड़ना है। मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट को जोड़ो, ठीक। तो टेबल में, ये टेबल में बन गया है, तो ये टेबल में प्रोडक्ट ले लिया अपने आप, ठीक है। फिर कॉमा दिया, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ, मैं बोल रहा हूँ मॉनिटर को जोड़ दो, ठीक, मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे आ गया मॉनिटर, ठीक है। फिर ऐसे किया, फिर कॉमा दिया और फिर यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा के एक बार में सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके कर दिया एंटर, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या आ गया, सैकड़ा हजार, 5000 रुपए, ठीक है। मॉनिटर जो है यहाँ पे आप देख लो, ये है, ठीक है। यहाँ पे जो मॉनिटर है ये देखिए, ये भी पार हो गया, मैं कुछ बदलाव कर दिया तो, ठीक है। मॉनिटर यहाँ दो जगह पे है, ये देख लीजिए और ये एक देख लीजिए, ठीक है। तो लेकिन मॉनिटर तो है ना दो जगह, 5000 रुपए है, यहाँ पे कुछ सैकड़ा हजार, 10000 रुपए है, ठीक है। इनको जोड़ करके यहाँ लाना चाहिए था ना, लेकिन जोड़ के ला नहीं रहा है, ठीक। ये हमारे पास समस्या है, ठीक। अब ये क्यों आ रहा है समस्या, जोड़ना तो चाहिए था। मॉनिटर को मैं यहाँ पे हटाया ऐसे मान लीजिए, तो फिर क्या कर दूं, कीबोर्ड BORD एंटर मारा, कीबोर्ड को भी नहीं जोड़ा, कीबोर्ड लिखा तो कीबोर्ड भी नहीं जोड़ा। यहाँ पे हार्ड डिस्क में लिखता हूं एक बार, हार्ड डिस्क का स्पेलिंग सही है ना, हार्ड डिस्क लिखा, क्या चीज, नहीं मैं इसको लिया नहीं हूँ अभी, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हार्ड डिस्क में लिखा तो भी कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों क्या समस्या हो गया इसको, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक। आ रहा है जीरो टोटल, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मॉनिटर तो मैं यहाँ लिखा हूँ ना, यहाँ से तो मैं डेटा उठा ही नहीं रहा हूँ, इसको डिलीट करिए, फालतू है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ता हूँ कीबोर्ड में, ठीक है, की BORD कीबोर्ड ऐसे लिखा हूँ ना मैं, एंटर किया, ये आ गया कीबोर्ड। चलो बड़ा मेहनत से आया है, कीबोर्ड यहाँ पे है, 1500 रुपये, यही है ना 1500 रुपये, लेकिन ये वाला कीबोर्ड तो जुड़ा ही नहीं जी, ये क्या मजाक है,
ये बिल्कुल गंदा मजाक कर लिया, मजा नहीं आया ये, ठीक है, नहीं आ रहा है, हमारा जो है कैलकुलेशन जो है गलत हो रहा है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक, यहाँ पे मैं करूँगा डबल क्लिक, इसके आखिरी में मैं आया, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस जो है दिया गया है, यही कारण है कि ये जुड़ नहीं रहा है, हटाया, एंटर मारा, ये भी जुड़ गया ना, क्यों जुड़ गया जी, वाइट स्पेस हमने हटा दिया तो जुड़ गया, ठीक, ये बहुत बड़ा समस्या था हमारा जो सॉल्व हो गया अभी, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हो सकता है कि मॉनिटर वाला जो यहाँ पे लिख रहा था ना उसमें भी वाइट स्पेस कहीं लग गया होगा, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे भी वाइट स्पेस है, देखिए लगा हुआ है, एंटर मार दूंगा इसको, यहाँ पे भी पहले में वाइट स्पेस है, देखिए लगा हुआ है, एंटर कर दिया, अब मॉनिटर भी लिखूंगा ना तो ये हमारा जुड़ेगा मॉनिटर भी, ठीक, मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर भी अब जुड़ रहा है ना, तो व्हाइट स्पेस को हटाया तो जुड़ गया, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो इस व्हाइट स्पेस को हटाने के लिए क्या किया जाता है, एक फंक्शन होता है ट्रिम, ठीक, कहाँ गया मेरा फंक्शन का लिस्ट, ट्रिम फंक्शन शायद मैं इसमें लिखना भूल गया है मेरे को, अच्छा हाँ ये देखिए है, ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा था शायद, चलिए कॉपी करता हूँ, कुछ और फंक्शन का मैं लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, नहीं हो सकता है मैं भूल जाऊँ दो चार फंक्शन, मज़ा नहीं आएगा, रिज्यूम, तो कुछ ये मैंने और फंक्शंस बना लिए, ठीक है, इसको मैं नीचे एंटर करके अभी ले जाता हूँ, ठीक है, कुछ और फंक्शन हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे मुझे याद आ जाएगा कि ये भी चीज़ें बताना चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर्मूला में आऊँ ना तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस वगैरह मिलेंगे, ये देख लो, फाइनेंशियल के रिलेटेड, रिसेंट यूज, टेक्स्ट के लिए रिलेटेड, ठीक है, डेट टाइम के रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा फंक्शन इधर मिलेंगे, ये देखिए इधर, लेकिन मैं इन सबको तो बता नहीं सकता जी अब, ठीक है, तो मुझे जो जो कुछ काम लायक लगेगा कि ये फंक्शन बताना चाहिए इंपॉर्टेंट, तो मैं उसका लिस्ट बना लूँगा अलग से और उस वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो पहले मैं इस सीट में आके एक उदाहरण दे देता हूं कि ट्रिम क्या करता है। यहां पे मैं आता हूं, स्पेस दबाया, फिर कुछ लिखा, फिर स्पेस दबाया, फिर ऐसे किया, ठीक, बीच में इसके स्पेस है, ठीक है। अब मैं इसको हटाने के लिए क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, ट्रिम किया, इसको लिया ब्रैकेट बंद, एंटर, ये देखिए अब इसका वाइट स्पेस जो है खत्म हो गया, ठीक। अब इसको मैं कॉपी करके कहीं पेस्ट करूंगा तो वाइट स्पेस इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। हटना, हट जाएगा वाइट स्पेस, ठीक। तो आप क्या करोगे कि मैं फिर से आता हूं इस सीट पे, ठीक है, और इन सभी में ट्रिम फंक्शन पास कर दोगे। ट्रिम फंक्शन अब इन सभी में पास कैसे होगा, बड़ा आसान काम है पास करना, ठीक। यहां पे लोगे इक्वल टू का साइन, ट्रिम लिखोगे, ठीक, टैब मारना, ठीक है, यहां पे एक बार क्लिक करो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक बार में सिलेक्ट हो गया, और ऐसे करो, मार दो एंटर, ठीक, यहां पे जो है ट्रिम फंक्शन लागू हो गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसमें मैं कुछ व्हाइट स्पेसेस जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए जुड़ गया व्हाइट स्पेस, ठीक है, मॉनिटर में भी कुछ जोड़ दिया व्हाइट स्पेस, अब जीरो आ रहा है ना यहाँ पे सम, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाया हूँ, ठीक है, और मॉनिटर का जो है व्हाइट स्पेस यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक, इसको पकड़ के खींच लूंगा नीचे ऐसे, ठीक, खींच लोगे आप या फिर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, टेबल होता तो आ जाता, लेकिन टेबल में नहीं है, पकड़ के खींच लिया, ठीक, यहाँ पे फंक्शन के साथ जो है पूरा है, ठीक, इसका वाइट स्पेस खत्म हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा के कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आया मैं, ठीक है, राइट क्लिक किया, फिर आऊँगा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, किधर गया, पेस्ट स्पेशल पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया था ना मैं पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट एज अ वैल्यू में क्लिक करूंगा और कर दूंगा पेस्ट, ठीक, वैल्यू जैसे ही मैं इसमें पेस्ट किया, ठीक,
इन सब का सिर्फ वैल्यू यहाँ पे आया, ट्रिम फंक्शन नहीं आया है, और इसका पूरा वाइट स्पेस रिमूव हो गया था, ठीक, रिमूव हो गया और इसमें सम अपने आप जो है आ गया, ठीक। तो आप इस तरह से वाइट स्पेसेस रिमूव कर लोगे, हो जाएगा ना सबसे, अब समझ में आ गया, इस तरह से आप कर लोगे, बन जाएगा ना सबसे, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, फिर से बताऊं, चलो फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्लस मारा, ठीक है, फिर F2 दबा के एडिटिंग किया, स्पेस दे दिया, ठीक, फिर इधर आया मॉनिटर में, फिर से स्पेस दे दिया, ठीक, जीरो हो गया इसका आप जोड़, ठीक है। इन सब को मैं क्या करूंगा, इधर पे आऊंगा, ट्रिम फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन देके ट्रिम पास कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा, ये जो है यहां पे आ गया, ट्रिम फंक्शन के अंदर आ गया ना, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल डी दबा दिया, पूरा सेलेक्ट करके अपने आप जो है फिल हो गया है, ठीक। अब क्या करूंगा, इसी को करूंगा मैं कॉपी, ठीक, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहां पे आया, सेलेक्ट किया पूरा, राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में जा करके पेस्ट एज अ वैल्यू करूंगा, इधर कहीं है पेस्ट एज अ वैल्यू, ये देखिए पेस्ट एज अ वैल्यू है, ठीक, इंटर कर दिया, पेस्ट एज अ वैल्यू, ठीक है। तो इसमें जो है इसका पूरा वैल्यू इसमें पेस्ट हो गया, मतलब बिना वाइट स्पेस वाला, ठीक, दोनों तो सिलेक्टेड ही था, हो गया पेस्ट। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ के आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप वाइट स्पेस हटा के कर लोगे, हो जाएगा, सबसे बड़ा आसान काम है। चलिए जी, सम इफ का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा, सम इफ्स बता दूं अब, चलिए यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, प्रोडक्ट का नेम कुछ भी, ठीक है, लैपटॉप, और यहां पे टाइप कर दूंगा मैं कंपनी का नाम, डेल कर देता हूं, ठीक। इन दोनों के आधार पे मुझे सम करना है, ठीक, इक्वल टू का साइन दूंगा, ठीक है, सम इफ्स करूंगा, ठीक है। अब बोल रहा है सम रेंज बताओ, ठीक, सबसे पहले मैं सम का रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक, सेलेक्ट हो गया, कॉमा दिया, ठीक है, और फिर क्या करूंगा मैं, ये टेबल वन जो है ना, इसका नाम आप बदल सकते हो, ठीक है, बदलेगा कैसे अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, मैं शायद पहले भी बताया था, मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज तो पहला सेलेक्ट हो गया, अब मैं क्या दूंगा यहाँ पे, नहीं नहीं ये तो सम रेंज सेलेक्ट किया हूं, ठीक है, अब कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक। तो पहला क्राइटेरिया मेरा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट दे देता हूं। अब क्या करूंगा, क्राइटेरिया दूंगा, ठीक, क्राइटेरिया में क्या दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा कि प्रोडक्ट यहां से तुम उठा लो जी, ठीक है, यहां से इस वाले सेल से उठा लो, ठीक, ये बोलाएगा ठीक है उठा लूंगा। अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज टू बताओ, मैं बोल दिया दूसरा क्राइटेरिया कंपनी है, ठीक, कंपनी ले लेगा, फिर क्या करेगा, कॉमा, ठीक, यहां पे देखिए आ गया है, कॉमा दिया, ठीक है, फिर बोल रहा है दूसरा क्राइटेरिया बताओ कहां से उठाऊं, मैं बोल रहा हूं कि इससे उठा लो, ठीक, डेल वाला, ठीक है। अब क्या करो, मैं कर दूंगा एंटर, ठीक, ये देखिए यहां पे जुड़ के जो है आ गया टोटल, डेल का टोटल लैपटॉप, डेल का यहाँ पे एक लैपटॉप है, एक यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ 50,000 का है, यहाँ पे कुछ इतने का है, इसको मैं 10 रुपये कर देता हूँ, ये देखिए हो गया, 10 रुपये का आएगा नहीं, ठीक है, मैं कर दिया हूँ, ठीक है, कितना अच्छा है ना, 10 रुपये। तो इस तरह से आप मान लीजिए एक आता और होता ना कॉलम, तो क्राइटेरिया रेंज 3 ले लेते, क्राइटेरिया 3 दे देते तो हो जाता, ठीक है, मैं 2 ही कॉलम लिया हूँ, आप मल्टीपल कॉलम और भी ले सकते हो, ठीक, इसको तो मैं बता ही दिया था कल, सिर्फ मुझे स्ट्रीम वाला बताना चाह रहा था मैं अभी, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, अगला फार्मूला पे चले हम लोग, सबको क्लियर है। अच्छा, टेबल का नाम बदलना, टेबल का नाम कैसे बदला जाएगा जी, बड़ा आसान काम है, ठीक,
बड़ा आसान काम तो कह दिया, बदलू कैसे? समझ में नहीं आ रहा यार। डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे टेबल आ जाएगा, यहाँ पे कर दूंगा प्रोडक्ट, एंटर मार दिया, बदलिए गया होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्ट स्लैश कंपनी है ना, तो इस तरह से आप कर लोगे, प्रोडक्ट यहाँ पे अपने आप बदला गया। ठीक, तो ऐसे आप बदल लोगे। ठीक है, बड़ा आसान है बदलना, आप लोग भी देख ही लिए। बोलिए आसान तो कह दिया बदले के। ठीक है, अगले फॉर्मूला पे चले। अब बताया था इन सबको मैं, ये बताना बाकी था, ये बताना बाकी था, इसको देख ले। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, जनरल में जाता हूं, टेक्स्ट, लैपटॉप, और यहां पे आता हूं, किधर आ जाऊं, डेल का लैपटॉप भी एक तो है ना, यहां पे आया, हटा दिया बॉक्स, यहां पे आने लगा जीरो। ठीक, क्यों जीरो आने लगा आपको मालूम? जोड़ जोड़ना का जो काम होता है वो सिर्फ किस में होता है? नंबर में होता है। शब्दों को तो आप नहीं जोड़ सकते ना, शब्द तो जुड़ेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि इसको बना दिया शब्द, टेक्स्ट बना दिया इसको, इसको भी बना दिया टेक्स्ट। ठीक, तो यहां पे टेक्स्ट हो चुका है ये। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये नहीं जुड़ रहा है, यहां पे जीरो आ गया। ठीक है, अब क्या करूं मैं जोड़ने के लिए जी? क्या कर दूं? काउंट करूं? नहीं यार, मैं जोड़ने का बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट में कन्वर्ट है ना, इसको अगर मैं नंबर में कर दूं तो कितना बढ़िया रहता ना। हाँ, इसको कर देता हूं आई एन टी इक्वल टू का साइन आई एन टी टैब। ये देख लीजिए फॉर्मूला लगाया, ये भी ऐसा हो गया। ठीक, इसको यहां से हम कर देंगे नंबर, तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, इंट का कहीं और इस्तेमाल में अभी आपको दिखा रहा हूं करके, आ गया नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो आप देखना कि नंबर में तो है कि किस चीज में डेटा है। ठीक है, ये भी नंबर कर दो आप। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये सब बड़ा आसान चीज है, आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, और int फंक्शन क्या करता है? इक्वल टू आई एन टी, यहां पे देख लो आप, राउंड ए नंबर डाउन टू, पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कुछ बोल दे रहा है अंग्रेजी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पे मैं नंबर डालता हूं, ए लीजिए। ठीक, ए किया। ठीक है, अब कर देता हूं एंटर, तो ये दे दिया 10। ठीक, इसका यही मतलब है। ठीक है, डॉट के बाद जो भी अंक रहेगा उसको हटा करके ये सीधा पूरा नंबर में दे देगा आपको। ठीक, यही इसका काम है, बाकी इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या करेगा ये? यहां पे इक्वल टू का साउंड देते हैं, और राउंड भी फंक्शन एक्ट है। ठीक है, राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड में इसमें लिखा हूं, नहीं लिखा हूं, नहीं लिखा हूं शायद, राउंड अप है, राउंड डाउन है। राउंड अप को पहले बता देता हूं मैं आपको। ठीक, यहां पे दे दिया मैं, ए लीजिए 5, एंटर, एंटर मैं अभी कह कर रहा हूं लेकिन। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट 2, एंटर। ठीक, ये 2 डिजिट दे दिया मुझे। ठीक, अब यहां पे 5 5 5 5 5 5 में इतना कर दिया, तो क्या दे दिया? इतना दे दिया। ठीक, अब इसको मैं यहां पे आकर के 3 कर दूंगा, तो क्या होगा? 3 डिजिट दिखा रहा है मेरे को।
ठीक है, और अप करके दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको कितना डिजिट चाहिए दे दिया यहाँ पे और अप करके दिखा रहा है ये, ठीक, बड़ा आसान काम है ये सब, तो आप लोग कर ही लोगे। R O U N D, राउंड अप बताया था, ये राउंड डाउन है, ठीक है। राउंड डाउन का क्या मतलब है, 10.22222 कॉमा, यहाँ पे 1 दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए बता दिया, ये अगला नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक के जगह पे 2 दे दूंगा, 2 दे दिया तो क्या दिया, 22 दे दिया, ठीक है, यही इसका मतलब है, बाकी तो कुछ है नहीं। पावर को देख लेते हैं आगे, ठीक है, ये पावर फंक्शन क्या करेगा, इक्वल टू का मैं साइन दूंगा, पी ओ ए है पावर, ठीक, इसमें लिखा हुआ है आप देख लो, रिटर्न द रिजल्ट नंबर ऑफ रिसाइज टू पावर, ठीक है, यहां पे मांग रहा है नंबर, मैं नंबर दे दिया 10, फिर यहां पे पावर बोल रहा है, मैं 2 देके एंटर कर दिया, 10 10 100 कर दिया, ठीक, समझ में आया ये क्या बोल रहा है, पीओवी नहीं समझ में आया, यहां पे 3 दिया, कॉमा दिया, फिर 2 दे दिया, ठीक, तो 9 कर दिया, ठीक है। वही मान लीजिए अगर मैं यहां पे 3 ही दे देता तो ये क्या करता, 27 दे देता, 3 3 9 और 9 3 27 27 दे दिया, ठीक है, तो पावर निकालने का ये काम कर रहा है, ठीक। अगर 3 की जगह पे 4 दे दूंगा तो 81 हो गया, ठीक है, आप करते हो ना 3 से गुणा 3 को करो, फिर 3 से गुणा 3 को करो, फिर 3 से गुणा, समझ गए होगे आप क्या कर रहा है, तो वही इसका मतलब है, ठीक है, यही काम करता है पावर का। दूसरे सीट में अगर डेटा है ना तो भी काम करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख दिया 3, यहां पे लिख दिया 3, ठीक, यहां पे आऊंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, पावर लिखूंगा, ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, लिख दिया एंटर, ये देखिए रिजल्ट आ गया, ठीक, तो दूसरे सीट में भी काम करेगा, दूसरे वर्कबुक में भी काम करेगा, ठीक है, जो आपको मैं पहला दिन बताया वही काम करेगा ये, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, मैक्स, ठीक, मुझे पता लगाना है, ठीक है, क्या पता लगाना है, किन सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, ठीक, तो यहां पे इक्वल टू का साइन दूंगा, एम ए एक्स दे दूंगा, ठीक है, और फिर यहां पे पूरा सेलेक्ट कर लूंगा रेंज, ठीक, कर दूंगा एंटर, तो मैक्सिमम नंबर ये है इसका, सच में यही है क्या, यही होगा, ठीक, ये मैक्सिमम नंबर आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक। मिनिमम नंबर निकालना है, मीन फंक्शन यहां पे है, ठीक है, ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे एंटर कर दूंगा, तो ये मिनिमम 10 रुपये ही है लगता है, ठीक है, तो ये 10 रुपये मिनिमम है, निकल जाएगा आपका मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। मल्टीपल सीट मल्टीपल वर्कबुक पे भी ये काम करेगा, बड़ा आसान काम है। तो ये तीनों हो गया, ये बचा है अब काउंट, ठीक। फिर आ जाते हैं हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, मैं काउंट करना चाह रहा हूं कि ये टोटल कितने आइटम्स हैं, ठीक, तो कैसे काउंट करूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, सी ओ यू एन टी लिख दूंगा, सी ओ यू एन टी, काउंट किया, ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा वैल्यू दे दूंगा मैं, ठीक, कर दिया एंटर, बोल दिया 10 ठो, ठीक, 10 ही ठो है ना, हाँ 10 ही ठो है पक्का, ठीक, तो ये 10 ठो आ गया। अब मैं इन सबको काउंट कर रहा हूँ, ठीक, तो इक्वल टू का साइन सी ओ यू एन टी काउंट, ओ यू एन टी काउंट किया, टैब मारा, इन सब को काउंट कर लेता हूं मैं, इसको करके एंटर किया, ये तो बड़ा बेकार मजाक है, ये मजा नहीं आया मेरे को, ये मजाक इसका, ठीक है, तो ये बोल रहा है 0, ठीक, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन आता है, वो होता है काउंट, इसमें नहीं लिखा हूं क्या, मैं अभी लिख देता हूं, क्या है कि मैं जब लिख रहा था तो मुझे कुछ फंक्शंस याद नहीं आए थे, भूल गया होऊंगा शायद, ये है काउंटा फंक्शन, काउंटा कह लो चाहे काउंट ए कह लो या जवन मन करे वो कह लो, ठीक।
काउंट फंक्शन क्या करता है कि नंबर को काउंटिंग करता है, राइट। और काउंट ए या काउंटा फंक्शन क्या करता है, खाली नहीं होना चाहिए, सबको गिन दो, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, इसमें लगा दूंगा ए और कर दूंगा एंटर, तो दस ठो गिन के दिखा दिया, ठीक। फिर इधर आऊंगा, ठीक है, इक्वल टू का सी ओ यू एन टी, ये देखिए इधर भी आ रहा है फंक्शन काउंट फंक्शन, ये देख लीजिए, ठीक। टैब मार दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया टोटल, ठीक है, एंटर 10, ठीक। माउस को यहां से किया डिलीट, 9 हो गया, हार्ड डिस्क को किया डिलीट, 8 हो गया, ठीक। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, समझ गए आप लोग, ये फंक्शन मल्टीपल सीट में काम करेगा, ठीक है, मतलब दूसरे सीट से भी काम करा सकते हो आप, और दूसरे वर्कबुक में भी हो तो भी, ठीक। कैसे काम होगा वो तो मैं फंक्शन का पहला चैप्टर जो पहला दिन ओपन किया था उसी में बता दिया था, तो शायद मुझे अब बताने का जरूरत नहीं है, कि है जरूरत नहीं है, है बता दूं, ये तो समझ में ही नहीं आता है, लोग कहते हैं बता ही दो सब, ठीक है। चलिए काउंट इफ में बता दूंगा, ठीक है, काउंट इफ या काउंट इफ्स में एक ठो और फंक्शन में छोड़ दिया हूं, भूल गया, याद नहीं आया मुझे, सी ओ यू एन टी ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक का शायद हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, देख लेंगे हम लोग एक्सेल में, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा सी ओ यू एन, ए देख लीजिए, यही है काउंट ब्लैंक फंक्शन, इसको मैं, ए एरर आ गया, काउंट ब्लैंक को मैं बता ले रहा हूं तो बताऊंगा कि ये एरर का मतलब क्या है आखिर, ये बार बार एरर आता है, मजा नहीं आता है, ठीक है। ये फंक्शन है काउंट ब्लैंक को बता के बता रहा हूं, ठीक है, तो काउंट ब्लैंक है, ठीक है, ये किया ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एंटर मार दिया, तो ये बोल रहा है कि दो ठो जो सेल है ऐसे सेल है जो कि खाली है, ठीक। आप इस्तेमाल इसका वहां कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप इस जगह पे कर सकते हो, ठीक। जैसे यहां पे प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट के जगह पे मैं काट के क्या कर दूंगा, प्राइस, ये देखिए आने लगा यहां पे, मैं कर दूंगा प्राइस, ठीक। ये सिर्फ खाली प्रोडक्ट है, इसमें एंटर, एंटर नहीं, इसमें एक ठो तो ब्रैकेट में दिया ही नहीं हूं, ये ले लो बंद, ये बोल रहा है जीरो, यहां से मैं कर दिया डिलीट इसको, ठीक, इसको भी डिलीट कर दिया, तो दो हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि दो आइटम ऐसे हैं जिनका मैंने प्राइस नहीं लिखा है, ठीक। इससे पता चल जाएगा कि दो ठो ऐसे लोग हैं, ऐसा है प्रोडक्ट जिसमें मैं प्राइस एंटर करना भूल गया हूं या एंटर नहीं किया हूं, ठीक ठीक है। या फिर आप जैसे स्टूडेंट का फीस वसूली कर रहे हो, ठीक, तो आप इस तरह से पता लगा लोगे कि जिनका फीस जो है, फीस का कॉलम खाली है, ठीक है, तो इन्होंने फीस नहीं दिया है, ठीक, कितने लोग हैं, ठीक है, तो आप पता लगा लोगे इस तरह से, ठीक है। अब बात आता है एरर का, ठीक है, मैंने यहाँ कुछ भी लिख के एंटर कर दिया, तो ये बोल रहा हैज, फिर नेम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये एक ठो एरर है। दूसरा एरर एक और मैं ले लाता हूं, अंडर स्कोर आई एन टी, फिर यहां पे ये लिखा आई एन टी, ये लिखा, ये लिख के एंटर कर दिया, ठीक। एंटर कर दिया, तो एक तो एक एरर आ गया, ठीक है। और एक तो एरर का ला दूं मैं, सीट थ्री में आता हूं, यहां कुछ लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके इक्वल टू का साइन देता हूँ, फिर यहाँ पे आया, इसको दबाया, एंटर कर दिया, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब मैं इस सीट को ही क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक। यहाँ पे ए एरर आ गया, नेम वैल्यू ये, ठीक, और शायद एक आध एरर होता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं इसको पॉज करके सोचता हूँ कि क्या एरर है, करता हूँ इसको मैं, ठीक है। अभी इतना ही को देखते हैं, बाकी एरर्स मुझे याद आएंगे तो मैं बता दूंगा बाद में, अभी तो मुझे इतने ही एरर्स याद आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा एरर आता है, ठीक है, तो आप समझ जाइए क्या कि आपने जो फॉर्मूला टाइप किया है वो फॉर्मूला गलत है, ठीक।
या फिर फॉर्मूले का नाम आपने गलत लिखा है, ठीक, उस नाम से कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अब मैंने ये लिखा है तो इस नाम से फॉर्मूला है नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला गलत बता रहा है, ठीक। दूसरा यहाँ पे ये है, हैज फिर वैल्यू, ठीक है। तो ये जब एरर आया तो आप समझ लीजिए कि फंक्शन को, ठीक है, आप कोई फंक्शन है उसको आपने कोई वैल्यू दिया है, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो गलत है, वो वैल्यू सही नहीं है, इसीलिए आ रहा है ऐसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंट फंक्शन है, इंट फंक्शन को क्या चाहिए, इंटीजर डेटा चाहिए ना, मैंने स्ट्रिंग दे दिया इसको, ठीक, तो वैल्यू गलत हो गया ना, तो इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे वैल्यू का। ये बोल रहा है रेफ, ठीक, इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि रेफरेंस इसका सही नहीं है, ठीक। जैसे मैंने सीट थ्री यहाँ पे था ना, सीट थ्री था, मैंने उसका दिया हुआ था, ठीक है, इसको रिनेम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीट थ्री, एंटर किया, ठीक है, फिर भी यहाँ पे अभी आएगा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिलीट कर चुका था मैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई फॉर्मूला टाइप किया हुआ है, ठीक है, और वो फॉर्मूला जो है मतलब जहाँ से डेटा उठा रहा था, ठीक है, वो जगह है ही नहीं अब, ठीक है। जैसे सीट थ्री से मेरा डेटा उठा रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैंने फॉर्मूला ऐसा लगाया था कि ये फॉर्मूला जो है सीट थ्री से डेटा उठाएगा, लेकिन सीट थ्री ही नहीं है, मतलब रेफरेंस नहीं मिल रहा है, मतलब उसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, जहां से आपने डेटा उठाया था वहां का पता इसको नहीं मिल रहा है, इसके कारण ये एरर आ रहा है, ठीक। तो आप ये एरर देख समझ गए कि किस लिए आता है, कौन सा एरर, ठीक है। तो अब आप ये एरर फिक्स कर लोगे, फिक्स हो जाएगा ना, चुपचाप, एरर का आपको समझ में आ गया कौन सा एरर कब आता है, ठीक है। तो जब ये एरर आएगा तो आप इस एरर को फिक्स कर लोगे, फिक्स हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना, आप लोग एरर लाना और फिर फिक्स करके देखना, ठीक। काउंट ब्लैंक को बता दिया मैंने, अब दो ठो बचा है, काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक। जैसे सम और सम इफ्स और सम इफ यूज कर रहे थे उसी तरह से ये भी यूज कर लोगे आप, ठीक। कैसे, यहां पे मैं नाम देता हूं count, ठीक, यहां पे काउंट दे दिया नाम, में इस फंक्शन को डिलीट करता हूं मैं, ठीक है। इक्वल टू का मैंने साइन दिया यहां पे, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं यहां पे, एंटर, यहां पे क्या मैं लिखा था, एचपी का क्या था, पेन ड्राइव लिख दूं, पेन ड्राइव है, छोड़ दो, दोबारा रिपीट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, हार्ड डिस्क, ठीक हो गया। मैं काउंट क्या करना चाह रहा हूं कि इसमें कितने ठो मॉनिटर हैं या कितने लैपटॉप हैं या कितने पेन ड्राइव हैं, मैं चाह रहा हूं कि कितने पेन ड्राइव हैं मुझे पता चल जाए, ठीक। इक्वल टू का साइन दूंगा, सी ओ यू एन टी लिखूंगा और काउंट इफ लगाऊंगा, ठीक है। बोल रहा है रेंज बताओ, ये रेंज मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक, कॉमा दिया, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ, तो क्राइटेरिया अगर शब्द में है तो मैं डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा क्राइटेरिया, ठीक है, नंबर में है तो डबल कोट का जरूरत नहीं है, ठीक। मैं बोलता हूं कि यहां से उठा लो क्राइटेरिया, इस सेल में मैं लिखूंगा, ठीक, तो इस सेल एड्रेस से उठा लेगा क्राइटेरिया, ठीक। लैपटॉप जो है वो दो ठो है, ठीक है, पेन ड्राइव देखते हैं कितना है, पेन ड्राइव, एंटर किया, पेन ड्राइव जीरो क्यों बता रहा है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, पेन ड्राइव, अब देखिए दो ठो पेन ड्राइव भी है, कीबोर्ड कितना है, की बी ओ आर डी, कीबोर्ड भी दो ही है, क्या बात है, माउस कितना है, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया होगा माउस का, यू एस ई, एंटर किया, माउस एक ही है, तो माउस एक ही आ रहा है। अभी ये डेल को आप इग्नोर करो ना, मैं कंपनी नहीं लिया हूं अभी, ठीक है, कहो तो मैं इसको कर देता हूं डिलीट, ठीक है। हार्ड डिस्क कितना है देख लेते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक, हार्ड डिस्क भी एक ही तो है, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर देता हूं, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, एंटर किया, दो ठो यहां पे आ गया, ठीक।
तो इस तरह से आप कर लोगे काउंट इफ का इस्तेमाल, हो जाएगा ना। ये मल्टीपल सीट में भी काम करेगा, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सीट में काम करेगा, ठीक ना। नहीं तो रिकॉर्ड होगा तो मजा नहीं आएगा। हार्डिक सो गया, ठीक है। अब काउंट इफ तो आपने देख लिया ना, अब काउंट इफ्स बता देता हूं। कंट्रोल जेड करता हूं, जेड जेड, हाँ आ गया कंपनी वाला भी, ठीक है। सब डिलीट कर दूंगा यह फॉर्मूला, मैं चाहता तो एडिट करके बना सकता था, लेकिन शायद आप लोग कहोगे कि इसी में एडिट कर दिया, पता नहीं चला क्या क्या कर दिया। काउंट इप्स, ठीक, जैसे सम इप्स था उसी तरह से ये भी है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन लेगा, बोल रहा है पहला क्राइटेरिया बताओ, मैं बोल दिया ये ले लो पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट, ठीक है। कॉमा से सिलेक्ट किया, अब बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ, पहले वाला जो सिलेक्ट किया वो क्राइटेरिया रेंज बता दिया मैं, ठीक है, ले लीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जी यहां से उठा लेना, फिर कॉमा दिया, फिर क्राइटेरिया रेंज टू बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज टू में ये दे दिया, फिर देता हूं कॉमा। एक मिनट रुकिए, इसको मैं खत्म करता हूं ऐसे, ठीक है, और ऐसे मैं करूंगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको बता रहा हूं थोड़े देर में कि ये टेबल में बना के करने का क्या फायदा है, ठीक है ना। ये आ गया, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया टू यहां से उठा लो जी, ठीक है। अब क्या करो, एंटर मार दो, ठीक है। अब कंपनी में क्या दे दूं, डेल, डी एल एल, एंटर। ये जीरो क्यों बोल रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, सच में नहीं है क्या डेल का माउस? ओ सच में नहीं है, आई एम सो सॉरी, इसीलिए नहीं आ रहा है। ये ले लो जी, अब आ गया, ठीक है। डेल के जगह पे एचपी कर दूं, एचपी कर देता हूं। ओ माउस एचपी का भी नहीं है, एचपी वाला मन में गाली देगा कि मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। चलो जी, एचपी का एक पेन ड्राइव है, ठीक है, इसको भी मैं एचपी ही कर देता हूं, ठीक है। तो दो ठो काउंटिंग हो गया, तो इस तरह से आप काम कर लोगे, ठीक। मान लो आप लोग, ठीक है, कि मैं थोड़े देर बाद यहां पे मैं एक ठो और लिख देता हूं, क्या, लैपटॉप, ठीक। कंपनी क्या दे देता हूं, डेल, पैसा इतने दे दिया, ठीक। अगर आप टेबल में बनाते हो ना, तो आपको इस फॉर्मूले में अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप टेबल के फॉर्म में कुछ भी यहां पे बनाओगे, ठीक है, तो आपको यहां पे फॉर्मूला में चेंज करने का जरूरत नहीं, अपने आप अपडेट हो जाया करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट जो है वो टेबल का नाम है और प्रोडक्ट जो है टेबल का कॉलम है, ठीक है। तो अपने आप जो है डायनामिक अपडेट होता रहेगा ये, अगर टेबल के फॉर्म में आप कुछ लेते हैं तो। आपको मैंने सम इफ बताया था, सम बताया था, ठीक है, उन सारे फॉर्मूला को अगर आप टेबल के फॉर्म में इस्तेमाल करोगे ना, तो अपने आप डायनामिक अपडेट होता रहेगा। जैसे आपने सम किया स्टूडेंट का फीस, ठीक है, तो स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसको अगर आप टेबल के फॉर्म में अगर बनाओगे ना, ठीक है, टेबल के फॉर्म में बनाओगे, तो फिर जितना चाहे आप इसमें इस तरह से स्टूडेंट का संख्या बनाओ, बढ़ाओ, ठीक है। यहां पे आपको फॉर्मूला में चेंजेस करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डायनामिक अपडेट होगा, ये सब अपने आप चलेगा, ठीक है। तो ये टेबल का बेनिफिट है, कल मैं बताना भूल गया था, ठीक है, भूल क्या गया था, ध्यान में नहीं था, अभी मैं टेबल बनाया तो मुझे ध्यान हो गया कि बताना चाहिए, ठीक है। आप लोग पंचायत कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? नहीं मन कर रहा है तो बता दो यार, मैं भी कुछ और काम धाम कर लूं। लैपटॉप लिख दूं यहाँ पे, लैपटॉप, एंटर। लैपटॉप डेल का नहीं है, अच्छा डेल का है, एचपी का नहीं, एंटर। दो ठो आ गया, ठीक है। तो काउंट इप्स भी हो गया, एक से डिफरेंट सीट पे ये भी काम करेगा और डिफरेंट वर्कबुक पे भी काम करेगा, ठीक। देख लो ना, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आया, कर दिया, एल ले लो, ठीक। यहाँ पे अपने आप अपडेट हो गया, ये देख लेना, ठीक है। एचपी जीरो, ठीक है, डेल दो, हो रहा है।
होगा सब होगा। कंट्रोल जेड किया, फिर जेड किया, फिर जेड किया, तो मेरा टेबल यहाँ पे फिर से आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या फॉर्मूला बचा जी? ये तो सारा हो गया ना, इस इन छियों को बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अगले दिन देखेंगे इन लोग को भी। ठीक है, ठीक। उसके बाद है एसक्यूआरटी फंक्शन। ठीक है, इसमें आते हैं, ये क्या करता है? स्क्वायर बताता है जी, इक्वल टू एसक्यूआरटी। ठीक, यहां पे डालता हूं मैं नंबर 3 किया। ये क्या मजाक है जी, ये मजाक तो स्क्वायर रूट बताता है, मैं भूल गया था। ठीक है, मैं 10 करता हूं यहां पे। ठीक है, एक या 20 कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है, इक्वल टू का साइन 4 कैरेट 2 एंटर। इक्वल टू का साइन एस क्यू आर टी। ठीक, अब इसमें क्या डाल दूं मैं? 100 डाल दूं, कुछ 6 डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? 100। ठीक, तो 100 का स्क्वायर रूट जो है ये क्या 10 आ जाता है, 10 दहा 100। ठीक है, तो आ गया इक्वल टू का साइन एस क्यू आर टी। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा, यहां पे लिख देता हूं 16 एंटर, तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर रूट बताता है। ठीक है, लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? दिखा रहा हूं क्या कर रहा है। यहां पे कुछ मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूं, ठीक है, टाइप कर दिया, इसमें लगा दिया सबसे पहले प्लस 91। ठीक है, स्पेस दिया या कॉमा दे दूं, ये दे दिया एंटर, ये ले लीजिए। जनरल की जगह पे मैं टेक्स्ट कर देता हूं। ठीक है, इक्वल टू का साइन क्यों लग रहा है जी? मत लगाओ, अच्छा ये दिया हूं ना इसलिए लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन दे देता हूँ प्लस। ठीक, ऐसा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे कई सारे मोबाइल नंबर आपके पास है, खींच लिया ऐसे। ठीक, किसी में प्लस 92 है, किसी में प्लस 93 है। ठीक है, ऐसे, तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लगाता हूँ मैं इक्वल टू का साइन एलिएफ्ट। ठीक, मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि सेपरेट सेपरेट करने हैं इनके हुए ये पूरे। ठीक है, यहाँ पे ये किया, कॉमा दिया, अब बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 एंटर, आ गया, आ गया ना। ये लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि जो टेक्स्ट आप लेफ्ट फंक्शन को देंगे, ठीक है, तो लेफ्ट सब फंक्शन उस टेक्स्ट में से कुछ डेटा निकालता है। कितना डेटा निकालेगा? तो यहाँ पे जितना आप नंबर दोगे, जैसे मैंने 3 नंबर दिया था तो 3 नंबर निकाल लिया, तो 0 ए प्लस 1 हो गया, 9 1 2 हो गया, 1 जो है 2 हो गया, तो आ गया। ठीक है, अब इसको ठीक इसी तरह से खींच लूंगा ऐसे, तो सारा सेपरेट हो जाएगा मेरा पिन कोड। ठीक, हो जाएगा ना सेपरेट। फिर यहाँ पे मैं आऊंगा अगला राइट फंक्शन भी देखता हूँ, है राइट, हाँ लिखा तो हूँ राइट, RIGHT। ठीक, RIGHT राइट फंक्शन आ गया, ये टेक्स्ट है जी। अब मुझे कितना कैरेक्टर चाहिए? अब मैं इधर से काउंट करूंगा, 10 कैरेक्टर चाहिए जी। 10 किया तो पूरा मेरा मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ऐसे, इसको पकड़ के लूंगा खींच, तो ये हो जाएगा सेपरेट। ठीक,
हो गया सेपरेट। एक कॉनकेट फंक्शन भी होगा, देखता हूं। हाँ है तो कॉनकेटिनेट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। मान लीजिए आप कि पहले से आपके पास डेटा ऐसा ही था, अलग अलग में सेपरेटेड था, ठीक, अलग अलग कॉलम में जो है सेपरेट करके रखा था पिन कोड, ठीक है। इसको क्या करना है, एक ही कॉलम में आपको लाना है, ठीक। तो आप कैसे लाओगे, ऐसे कॉनकेटिनेट, कॉनकेटिनेट मतलब जोड़ना। कैसे जोड़ना जी, विंडोज आर करता हूं, विन वर्ड करता हूं, ये देख लीजिए 10 और 10 कितना होता है, इतना होता है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है। 10 धन 10 करता हूं, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाता है 20, ठीक ठीक है। लेकिन 10 10 को यहां पे जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, लेकिन यहां पे अगर मैं 10 धन 10 कर दूं तो यहां पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक। तो ऊपर वाला क्या है, जोड़ना, और ये क्या है, कॉनकेटिनेट करना, ठीक। इसको ऐसे अगर मैं कर दूंगा तो आ जाएगा ऐसा एक्सेल के एक्सेल में, ठीक। ऐसा मैं करूं, अब करके दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। कॉनकेटिनेट आ गया, पहला टेक्स्ट ये ले लो जी, ठीक है। फिर कॉमा दे दूंगा, मैं तो एंड का साइन से बताया था ना, बता रहा हूं उसका भी, अभी वो ऑपरेटर है, ठीक है। कॉनकेटिनेट फंक्शन में ये दे दूंगा, फिर उसके बाद क्या दे दूंगा, ये दे दूंगा, ठीक है। एंटर मार दिया, ये देख लो आ गया आपस में जुड़ के, आ गया ना, ऐसे खींच दूंगा जी, एक ही में पूरा जुड़ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो ऐसे कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके और पेस्ट स्पेशल पे जाओ, कर दो पेस्ट एज अ वैल्यू, तो वैल्यू के फॉर्म में ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ घटा लोगे, ठीक है। मान लीजिए कि थोड़ा आपको स्पेस भी चाहिए था, तो फिर यहाँ पे दीजिए कॉमा, ये देख लीजिए ऐसे दे दीजिए, ठीक है, ऐसे, तो सब में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक किया यहाँ पे तो आ गया, जैसे राइट देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे मारा डबल क्लिक, पूरा सिलेक्ट हो गया, स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर स्पेस के जगह पे मैं चाहूँ कि आ जाइए, तो एंटर मारूंगा, ठीक है, यहाँ पे आके कर दूंगा डबल क्लिक, टोटल में फिल हो जाएगा ऐसे, ठीक, क्लियर। इतना समझ में आ गया, लेफ्ट समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया ना। चलिए जी, और भी कुछ है क्या, लेफ्ट राइट, कुछ मिड भी फंक्शन होता है क्या, मुझे याद आ रहा है कि शायद कुछ मिड नाम का भी फंक्शन होता है, एम आई डी, देखो क्या करता है, रिटर्न कैरेक्टर मिडिल ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ। मिड नाम का फंक्शन क्या करता है जी, सबसे पहले मैं इसको दे दूंगा टेक्स्ट, ठीक, फिर दे दूंगा कॉमा, फिर बोल रहा है स्टार्टिंग नंबर बताओ, शुरुआत कहां से मैं करूं, ठीक। तो मैं गिनता हूं यहां से, प्लस मतलब एक, नाइन मतलब दो, वन मतलब थ्री, और फिर यहां पे एक स्पेस दिया गया है ना, इस ये हो जाएगा चौथा, ठीक, चार हो गया, और पांचवा मतलब ये वाला नाइन, ठीक, यहां पे लिख दूंगा फाइव, कॉमा, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना ठो मैं गिनती करूं, मैं बोल देता हूं 10 ठो ले ले, ये देख लीजिए यहां पे 10 ठो ले लिया ये, ठीक है, मैं 11 करता हूं तब आएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा आ गया, ठीक, ये पूरा यहां पे आ गया ना। तो ये काम है मिड फंक्शन का, ठीक। मिड फंक्शन क्या करता है, फिर से मैं आपको बताता हूं, मिड माउस यहां पे लाया, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अब रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम मिडिल ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, गिव ए स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है
कि मिड फंक्शन को आप कुछ टेक्स्ट दे दीजिए पहले, ठीक, कुछ टेक्स्ट दे दीजिए, उसके बाद उसको बताइए कि कहां से शुरुआत करना है, कि जो डेटा आपको चाहिए, ठीक है, वो कितने पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है, उसका शुरुआत, ठीक, शुरुआत का नंबर दे दीजिए, फिर उसके बाद कॉमा लगाइए, ठीक है, फिर उसके बाद कितना नंबर आपको चाहिए, ठीक है, वो दे दीजिए। तो मैंने ये दे दिया, ठीक है, इक्वल टू का साइन, मिड, टैब मारा, ये टेक्स्ट मैंने दे दिया, कॉमा दे दिया, फिर स्टार्टिंग नंबर में इसको देता हूँ 5, ठीक है, फिर बोल रहा है कितना नंबर आपको चाहिए, ठीक है, दे दूंगा मैं 11, एंटर कर दिया तो ये पूरा कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। इसमें एक ठो काट दिया, ठीक है, 6 लो, ठीक, ए ले लीजिए, अब प्रॉपर आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पे एक ठो स्पेस भी वो ले रहा था, ठीक है, ये देखिए यहां पे ले रहा है स्पेस, यहां पे नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको मिड फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा, हुआ नहीं हुआ, हाँ ना, कुछ कहोगे, कॉमा एम आई डी, ठीक, ये क्लियर है मिड फंक्शन। ये मोबाइल नंबर जो है ना सेंसिटिव डेटा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉन्केटिनेशन का मैंने ऑपरेटर नहीं बताया ना, इक्वल टू का साइन दीजिए, ए दीजिए यहां पे और एंड दीजिए, ठीक, फिर ये दे दीजिए, ठीक है, इंटर, तो भी ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्केटिनेट का तो और भी तरीका है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा या बाद में बताऊंगा, ठीक है, या फिर इसी को दूसरे तरीके से इक्वल टू का साइन दीजिए, ए दीजिए, कॉमा करिए, एंड करिए, स्पेस मारिए ऐसे, फिर स्पेस, फिर एंड, फिर इसको क्लिक करिए, एंटर मार दीजिए, नहीं नहीं, एक तो एंड और तो देना पड़ेगा ना, वो तो सही था, ये लेना चाहिए था मुझे, ये ले लीजिए, कॉन्केटिनेट हो गया, ठीक है, ऐसे पकड़ के खींच लीजिए तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। आखिरी चीज, एक तो ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो ट्रिक्स क्या है, इक्वल टू का साइन दीजिए, आर आई जी एच, नहीं, लेफ्ट लेता हूं पहले मैं, एल ई एफ टी, टैब, लेफ्ट से ले लो, कितना इसके लेफ्ट से ले लो, कितना डिजिट लेना है जी, तो 2 डिजिट ले लो, काफी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट कर दो, ठीक है, फिर स्पेस दे दो थोड़ा सा ऐसे, फिर क्या करो, फिर आर आई जी एच टी लिख दो, ठीक है, फिर यही दे दो इसको, ठीक, कॉमा, इसका भी सिर्फ 2 कैरेक्टर ले लो, ऐसे करके कर दो एंटर, ठीक, यहां पे भी तो एक तो एंड लगेगा, मैं भूल गया लगाना, ऐसे, ठीक, ये 2 कैरेक्टर दिख रहा है। मैं क्या चाह रहा था ना कि मोबाइल नंबर के शुरू के और आखिरी के 2 कैरेक्टर दिखे, बीच वाला जो है ना दिखे। अब बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा लिख दो, ऐसा, ठीक, इससे क्या हो गया, मोबाइल नंबर मैंने हाइड कर दिया, ठीक, मेरा मोबाइल नंबर कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इसमें 2-4 ठो स्टार और लगा देता हूं ऐसे, ये ले लो जी, ठीक। तो ये बढ़िया टेक्निक है ना, हाइड हो गया मोबाइल नंबर, 2 के जगह पे अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है, यहां पे भी 3 कर देता हूं, ठीक। तो इस तरह से आप चाहो तो कुछ चीजें छुपा सकते हो, इसमें छुपा क्या है, लिखा ही नहीं है तो, ठीक है, लेकिन सामने वाला को तो भरम होगा कि हाइड किया है, बड़ा टेक्निक लगाया है, ठीक है, लेकिन ये सब जुगाड़ है, ठीक है। अगला है ये लेन फंक्शन, मैं नहीं बताया ना आपको, बता देता हूं लेन फंक्शन, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, ठीक, इक्वल टू का साइन दूंगा मैं, ठीक है, लेन फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, ये लिखूंगा और यहां पे ये करके एंटर कर दूंगा, ये आ गया 10, ठीक,
ये लेंथ बताता है कि कितना है, ठीक है। यहां पे भी फॉर्मूला लगा है, आप देख लीजिए, और यहां पे भी फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूला आप दे सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला से डेटा उठाइए, दूसरे फॉर्मूला को दे दीजिए, ठीक है। या फिर यहां भी मैं क्या करूंगा, ऐसे एल ई एन, ऐसे मैं यहां पे भी कर सकता हूं, ऐसे एलो लेंथ किया तो आ गया ना, यहां पे दो फंक्शन लग गया, लेंथ भी लग गया और राइट का भी फंक्शन लग गया, पर मुझे इस राइट से भी मतलब नहीं है, ले लीजिए, ठीक। तो लेंथ आप चेक कर लोगे यहां से, ऐसे किसी भी टेक्स्ट का लेंथ चेक करना है तो लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। तो ये सारा फॉर्मूला आपको क्लियर है सबको, पीछे क्लियर है, धीरे धीरे इन सब का प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। आगे चलूं या प्रैक्टिकल आप लोग करोगे, ये कुछ और भी फॉर्मूला नीचे है, कुछ टेक्निक्स वगैरह मुझे जैसे जैसे याद आ जाएगा कुछ और, तो और भी नीचे मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला मैं छोड़ दिया था तो अभी मेरे को लिखना पड़ गया, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है ना, क्यों प्रैक्टिकल करोगे या आगे भी कुछ बता दूंगा और, क्यों? चलिए ठीक है, आप इतना को प्रैक्टिकल करिए, बाकी देख लेंगे बाद में, ठीक। क्लियर, कोई किसी को समस्या है तो बताओ, ठीक है। सब लोग चुप है मतलब समस्या नहीं है, ठीक। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है भी नहीं भी है, लेकिन मैं क्या निकालूंगा, अपने फेवर में निकालूंगा, ठीक है। मतलब समस्या नहीं है, ठीक है। कोर्ट में जाओ, आपसे सवाल पूछे जज, आप उत्तर ना दो तो कहेगा चुप चुप रहोगे तो मान लूंगा तुम ही अपराधी हो, ठीक। कोर्ट में आप जाइए और आप चुप रहिए तो जज क्या कहेगा, कुछ बोलना है तो बोल, नहीं तो मान लूंगा कि अपराधी तो ही है इधर, ठीक है। इसीलिए आप भी नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया जी, ठीक है। तो कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो कितना खुशी का बात है, आप लोग समझ जाते हैं बहुत जल्दी, क्यों नहीं है ना कोई दिक्कत। चलिए जी, बाकी को कल देख लेंगे, ठीक है। और कुछ बचता है तो, ये जितना भी फॉर्मूला है ना, ये मल्टीपल सीट में भी काम करेगा, ठीक। इसको करता हूं मैं कट, ठीक है। यहां पे आया, एंटर दबा के कर दिया पेस्ट, ठीक। यहां पे देखिए आ रहा है ना, ये लेंथ फंक्शन भी काम कर रहा है ना। तो ये सारा फंक्शन जितना भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, जितना चीज मैं दिखा रहा हूं यहां पे, वो सब एक से दूसरे सीट में भी काम करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सीट में काम करेगा और डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक में भी काम करेगा। ये चीजें मैं आपको पहला दिन बताया था, सम और सम इफ वगैरह के केस में, वही यहां पे भी है, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीजें आपको क्लियर होगा, ठीक। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो नहीं बनेगा तो पूछिएगा, राइट। कोई समस्या किसी को नहीं है, नहीं है जी। दूसरा चीज, जो भी चीजें आपको डायनामिक अपडेट करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का आपने लिस्ट बनाया है, ठीक है, तो स्टूडेंट का लिस्ट तो बदलता रहेगा ना, कभी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा तो बढ़ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उन सब में कोई फॉर्मूला लगाना है, काउंटिंग करना है, स्टूडेंट का फीस का काउंटिंग करना है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि उन सबको टेबल के फॉर्म में बनाओ, ठीक है, क्योंकि टेबल के फॉर्म में जो आप डेटा तैयार करोगे और उसमें जो काम करोगे वो चीजें डायनामिक अपडेट होगा, जैसे कि यहाँ पे अपडेट हो रहा था ना डायनामिक, तो उसी तरह से डायनामिक अपडेट जो है होगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लैपटॉप एक और लिख दूंगा, ठीक है, डेल लिख दिया, ये देखिए यहां पे 3 अपने आप हो गया, ठीक है। तो टेबल के केस में कोई भी फॉर्मूला डायनामिक काम करता है, ठीक है, टेबल के केस में फॉर्मूला जो है डायनामिक काम कर रहा है। यहां पे मैं काउंटिंग कर रहा हूं, अगर मैं जोड़ता तो जुड़ता भी डायनामिक, ठीक। क्यों जुड़ता डायनामिक, क्योंकि टेबल का यहाँ पे नेम होता है और यहाँ पे कॉलम होता है, और टेबल जहां तक रहेगा उन सारे सभी को जोड़ेगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है, चलिए क्लियर है, बहुत अच्छा है।
अब मैं बंद कर देता हूँ, बाकी कल को देख लेंगे हम लोग, राइट? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात।